हेलो और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फाइनली। और मैं इस वक्त मास्क नहीं उतार सकती क्योंकि मास्क उतारना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कराची एयरपोर्ट पर मुझे किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, यहाँ पर मुझे क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कराची एयरपोर्ट पर जब मैं एंटर हुई तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा PCR टेस्ट मांगा और उसके बाद मुझसे ये पूछा गया कि आप कितने पैसे लेकर आ रही हैं, नॉर्मली ये पूछा जाता है। उसके बाद जब मैं बोर्डिंग करवाने के लिए गई तो उस वक्त भी मुझसे ये पूछा गया कि आपका PCR टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसकी रिपोर्ट मैंने उनको दिखाई, उन्होंने मुझे HES कोड के बारे में पूछा कि आपने वो फॉर्म फिल किया है या नहीं किया, तो वो फॉर्म फिल करना ज़रूरी है इमिग्रेशन काउंटर पे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपकी होटल बुकिंग्स हैं या नहीं है। होटल बुकिंग का मैंने अपना एक सेट अपने पास रखा हुआ था और दूसरा सेट मेरा लगेज में जा चुका था, इसलिए जो सेट मेरे पास था उन्होंने मुझसे वो सेट मांगा तो फिर मुझे उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ी। इसलिए आप जो दो सेट्स रखेंगे वो आप अपने हैंड कैरी में रखें ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको फिर फ़ोटोकॉपी के लिए यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। फ़्लाइट वॉज़ वेरी गुड, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी फ़्लाइट थी। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, खाना मिल रहा था क्योंकि पहले मुझे ये बताया गया था कि पैंडमिक की सिचुएशन है तो एयरलाइंस खाना नहीं दे रही हैं, बट हमने पेट भर के खाना खाया। दो बार हमें चाय पिलाई गई और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर एक गलती मैंने खुद की और दूसरी गलती तो नहीं, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट थी। सबसे पहले जो मैंने गलती की और वो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था और जब मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ तो मेरा बोर्डिंग पास खो चुका था। मैं अपना बोर्डिंग कार्ड हर जगह पर ढूंढ रही थी लेकिन मुझे अपना बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा था और मेरी रोने वाली शक्ल हो गई थी। फिर मैं वापस वॉशरूम में गई हूँ तो वॉशरूम में मैंने दो तीन पाकिस्तानी लड़कियाँ थी उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो बोर्डिंग पास है वो वॉश बेसिन के पास रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो मैंने वहाँ पर जाकर वो उठाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। लगेज कलेक्ट करने के लिए आई हूँ तो हमारी एयरलाइन के नंबर का कोई भी लगेज बेल्ट यहाँ पर नहीं था और जितने भी हमारे साथ पैसेंजर्स थे वो सब ढूंढ रहे थे कि हमें हमारा लगेज कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल था। तकरीबन 10-15 मिनट हम वॉक करते रहे, हमने सारे बेल्ट चेक किए और फाइनली हमें जो हमारा लगेज मिला है वो किसी और एयरलाइन के बेल्ट पर था। तो ये थोड़े से हर्डल्स थे, खैर एयरपोर्ट पर इतना सब कुछ होता रहता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे और फाइनली अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, यहाँ से मैं बाहर जाऊँगी। मुझे सबसे पहले अपनी सिम लेनी है। मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में भी बता देती हूँ, ये रेंट एंड कनेक्ट वाला ही एक और ऑप्शन है एयरपोर्ट वाईफाई। और दूसरा यहाँ पर ये आप देखें तुर्क टेलीकॉम है, वोडाफोन है और इनका एक और है तुर्कसेल। तो इनका जो ये तुर्क टेलीकॉम है मैंने इनसे पैकेज लिया है, 25 GB का पैकेज है जो मुझे 250 लीरा का पड़ा है और ये 10 डेज़ के लिए इनफ होगा। तो जनाब ये थी मेरी अब तक की स्टोरी और इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे मैं ले चुकी हूँ, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर और पहले इस्तांबुल काट लेंगे और उसके बाद फिर बस में सफ़र करेंगे। कहाँ जा रहे हैं और फर्स्ट डे हमारा कैसा गुजरेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।